Hello everyone and welcome to my channel. This is Simran Kaur and today we will start with letter of complaint. तो English का हम writing section आज start करेंगे जिसमें हमारा first topic आता है letter of complaint. So listen to me very carefully. अब 9, 10, 11 sub students के लिए अब MCQs format जो है वो आ चुका है. तो letter of complaint हम पूरा लिखना भी सीखेंगे, उसका format भी सीखेंगे, एक sample भी आपको मैं explain करके दिखाऊंगी और आपको at the end एक homework question भी दूंगी. तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसे स्टडी करेंगे कि अगर आपको इससे रिलेटेड MCQs भी आ जाएँ तो आप उसको भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओ. तो मैं बहुत अच्छे तरीके से स्लाइड्स को हम देखेंगे, स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे और समझेंगे. तो पहले तो मैं ये बता दूं कि लेटर ऑफ कंप्लेंट होता क्या है. आपसे पूछा भी जा सकता है तो मैं आपको एक्सप्लेन पहले ही कर देती हूँ. तो एक ऐसा लेटर होता है, मान लो कि आपने किसी से भी प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विस खरीदी, आपने वो जो प्रोडक्ट खरीदा उससे आप डिससेटिस्फाइड हो, वो एक फॉल्टी प्रोडक्ट था, गलत प्रोडक्ट था. तो आप उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो, डिससेटिस्फाइड हो, सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप क्या करोगे, जहाँ से जिस बिजनेस फर्म से आपने वो चीज़ खरीदी थी आप उनको एक लेटर लिख के भेजोगे. आप उनके एड्रेस पर आप एक लेटर लिखोगे, एक कंप्लेंट लेटर लिखोगे. आप उन्हें कंप्लेन करोगे कि आपने जो प्रोडक्ट भेजा था वो गलत था, वो रॉन्ग था और या फिर ऑफेंसिव था या फॉल्टी प्रोडक्ट था. तो आप अपना रिसेंटमेंट या फिर अपना डिससेटिस्फैक्शन जताते हुए वो कंप्लेंट लेटर लिखते हो उन लोगों को जिनसे आपने वो प्रोडक्ट खरीदा था. इसमें आप ये लिखते हो कि इसमें आप एक्चुअल में क्या दिखाते हो, अपना कंसर्न शो करते हो कि आप बहुत ज़्यादा कंसर्नड हो, आपको वो प्रोडक्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो अनफेयर चीज़ थी और आपको जो आउटकम जो आपको चाहिए था, आउटकम जो रिजल्ट चाहिए था उस प्रोडक्ट से आपको नहीं मिला. तो ये आप लेटर लिखते हो. अब हम इसका फॉर्मेट देखेंगे. आपसे कभी भी फॉर्मेट के बारे में पूछा जाता है कि सेंडर एड्रेस में क्या आता है, डेट में क्या आता है, तो ये सब चीज़ें. तो ऐट दी फर्स्ट आप सेंडर एड्रेस लिखते हो, यानी अपना एड्रेस लिखते हो, साथ साथ आप अपना मोबाइल नंबर भी ऐड कर सकते हो. फिर नीचे आप डेट लिखते हो, किस डेट पर एड्रेस लिखा जा रहा है और किस डेट पर लेटर लिखा जा रहा है, फिर नेक्स्ट में आप लिखते हो रिसीवर्स एड्रेस, यानी जिसको आप लेटर लिख रहे हो. रिसीवर्स एड्रेस में उस रिसीवर की डेसिग्नेशन भी लिखी जाती है, जैसे आप उस कंपनी के मैनेजर को लिख रहे हो, सो दी मैनेजर, फिर ब्ला 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 कंपनी एंड ऑल. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिसीवर की डेसिग्नेशन भी लिखते हैं कि वो है कौन एक्चुअल में. फिर हमारा रिसीवर्स एड्रेस के बाद आता है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट में आप लिखते हो कि आप लेटर किस चीज़ के लिए लिखा है आपने. तो ये छोटा एकदम शॉर्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, एकदम आप ब्रीफली बहुत अच्छे तरीके से, शॉर्ट तरीके से आप एकदम क्लियर कंटेंट के साथ अपना सब्जेक्ट लिखोगे. उसमें कुछ फालतू की चीज़ें ऐड नहीं करनी वरना मार्क्स कट जाएंगे. तो अगर आप इतना भी लिखोगे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे. अगर मैं आपको बता रही हूँ, सब्जेक्ट एकदम स्पेसिफाई करके एकदम क्लियरली लिखना ही लिखना है. आप सब्जेक्ट की स्टार्टिंग कैसे कर सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो कंप्लेन फॉर अराइवल ऑफ अ फॉल्टी प्रोडक्ट. आपको कंप्लेन लिखनी है क्योंकि एक फॉल्टी प्रोडक्ट अराइव हो चुका है, आ चुका है आपके पास, या कंप्लेन रिगार्डिंग ब्ला ब्ला ब्ला, तो इस चीज़ के लिए आपने कंप्लेन की है. ठीक है, अब यहाँ पर ब्ला 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 इज़ जस्ट लाइक कि मैं आपको बता रही हूँ कि आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर. तो कंप्लेन किसके लिए लिख रहे हो आप, नॉर्मल आप कंप्लेन से स्टार्ट करते हो और फिर बता देते हो कि आप क्यों लिख रहे हो कंप्लेन. तो ये सब्जेक्ट आता है आपका. नेक्स्ट आप सैल्यूटेशन लिखते हो. सैल्यूटेशन मतलब सर, डियर सर या डियर मैडम. पहले डियर सर और डियर मैडम एक्सेप्ट नहीं किया जाता था बट अब एक्सेप्ट कर लेते हैं. इसके अलावा फिर अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, आप अपना कंटेंट बॉडी ऑफ लेटर लिखना शुरू करते हो. तो इसमें सबसे पहला पैराग्राफ आता है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, जिसमें आप डिटेल्स देते हो कि आपने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा था उस कंपनी से, उस फर्म से कौन सा प्रोडक्ट खरीदा था, जिस प्रोडक्ट के लिए आप कंप्लेंट लिख रहे हो आप उसके बारे में लिखते हो. आप लिखते हो कब खरीदा था, डेट, किस जगह से खरीदा था, यानी उनकी कौन सी ब्रांड से खरीदा था. फिर आप उस आइटम की थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन बताते हो, उसकी डिटेल्स बताते हो, जैसे अगर फ़ोन ख़रीदा था तो कौन सा मॉडल था फ़ोन का, इन सब चीज़ों के बारे में, क्या रैम था, सारी एक एक पर्टिकुलर डिटेल आप उस प्रोडक्ट के बारे में लिख देते हो. फिर नेक्स्ट क्या लिखते हैं, सेकंड पैराग्राफ, यानी थ्री पैराग्राफ होते हैं. तो सेकंड पैराग्राफ में आप क्या लिखते हो, सेकंड पैराग्राफ में लिखते हो कि वो जो प्रोडक्ट आपने ख़रीदा उसके साथ इशू क्या हुआ है. मान लो आपने टीवी ख़रीदा था, उसकी स्क्रीन ब्लर आ रही है, उसका ऑडियो बहुत बेकार है, एचडी फ्रेम आपको नहीं मिल रहा, जो भी माल फंक्शनिंग है उसके साथ, वो सब आप कुछ लिख सब कुछ आप लिख सकते हो. तो सारी डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड होंगी. फर्स्ट में आप डिटेल्स लिखोगे उस प्रोडक्ट के बारे में, सेकेंड आप डिटेल्स लिखोगे उस प्रोडक्ट के साथ जो माल फंक्शनिंग हुई है, जो इशू हुआ है उसके बारे में. सारे फैक्ट्स को आपको डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी है. एट दी एंड जो आपका लास्ट होता है वो आपका कंक्लूजन पैराग्राफ होता है, जिसमें आप लिखते हो, आप उनको एक तरीके से सजेशन देते हो कि आप वो किस तरीके से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें. इसके अलावा आप एक डॉक्यूमेंट जोड़ सकते हो, उसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हो कि ये देखो इस डेट को मैंने आपसे ख़रीदा था, ये रिसिप्ट, और ये देख सकते हो आप. साथ साथ आप उन्हें ये बता सकते हो कि मुझे इतने टाइम के अंदर अंदर ही आपका रिस्पॉन्स चाहिए, मुझे इतने टाइम के अंदर अंदर आप अपना रिस्पॉन्स दो और मुझे मेरी प्रॉब्लम जो है इसे सॉल्व करके दिखाओ. ये सब चीज़ आप उसमें लिख देते हो.
रख लिया, फिर लास्ट में आप अपना फ़ोन नंबर एड्रेस तो आपने ऊपर लिख दिया, फ़ोन नंबर है, आपने कुछ और कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो मेंशन कर सकते हो ताकि वो लोग आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें और आप जो है अपना प्रोडक्ट चेंज करवा लो या कोई और चीज़ कर सकते हैं। एट दी एंड आप योर्स सिंसियरली या योर्स ट्रूली जो है वो लिख देते हो, कॉम्प्लीमेंट्रीली आप उसे क्लोज कर दोगे और फिर अपना नेम, अगर आपको क्वेश्चन में नेम मेंशन है तो आप वही नेम लिखोगे, अगर क्वेश्चन में एड्रेस मेंशन है तो वही एड्रेस लिखोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपको प्रो टिप्स तो आपको पता ही हैं। अब इसके अलावा कुछ और टिप्स मैं बताऊंगी, आपको कभी भी एकदम रूड नहीं होना, ठीक है। कंप्लेंट लेटर में आपको काम भी रहना है, पोलाइट भी रहना है, लेकिन फर्म भी रहना है। फर्म का मतलब है आपको उनको इंस्ट्रक्शंस भी देना है बट पोलाइटली देने हैं, आपको रूड नहीं होना लेटर में। इसके अलावा आपको क्लियरली बताना है कि कंप्लेंट किस बारे में है, किस तरीके से आपका प्रोडक्ट ख़राब हुआ है, सब कुछ अच्छे तरीके से आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। आप ये भी बता सकते हो कि प्रोडक्ट बहुत लेट आया या फिर अभी तक प्रोडक्ट आया ही नहीं है, कंप्लेंट तो उस चीज़ की भी हो सकती है कि प्रोडक्ट अभी तक आया नहीं है, मैं इसको अब कैंसिल कर रहा हूँ और मेरे पैसे मुझे रिफ़ंड कर दो, तो कुछ भी हो सकता है। कंप्लेंट लेटर तो किसी के बारे में भी हो सकता है ना, तो ये चीज़ आती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कि एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कंप्लेंट लेटर का, जो कि जिससे आपके लिए ईजी हो जाए। तो आप प्रोपरेटर का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, जो कि बिज़नेस का ओनर होता है उसको हम प्रोपरेटर कहते हैं, ठीक है। तो आप बॉम्बे फैशंस प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, आप उसके प्रोपरेटर हो, आप उसके ओनर हो, ठीक है। और आपको क्या करना है, इंडियाना एप्रल्स लिमिटेड इंटरनेशनल टेक्सटाइल, मतलब जो हमारे इंडियाना एप्रल्स लिमिटेड है, इनको आपने ये लेटर लिखना है, कंप्लेंट लेटर लिखना है, क्योंकि आपको उनसे ड्रेस मटेरियल जो था वो पुअर क्वालिटी का दिया गया था, मिला था, ठीक है। तो पुअर क्वालिटी का ड्रेस मटेरियल की वजह से बॉम्बे फैशंस प्राइवेट लिमिटेड किसको लेटर लिखेगा, इंडियाना एप्रल्स लिमिटेड को। इंडियाना एप्रल्स लिमिटेड का यहाँ पर इन्होंने एड्रेस भी दिया हुआ है, इंटरनेशनल टेक्सटाइल पार्क अहमदाबाद रोड सूरत गुजरात, तो ये एड्रेस है यहाँ पर। तो हम कैसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे बॉम्बे फैशंस लिमिटेड, तो यहाँ पर आपने पहले अपना लिख दिया बॉम्बे फैशंस प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद आपको वहाँ का एड्रेस लिखना है, कानपुर यूपी में है, कानपुर यूपी। आप अपना फ़ोन भी ऐड कर सकते हो और अपनी ईमेल ऐड कर सकते हो, ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल है, मैंने ऐड कर दी। अगर आप एज एन एडवांस स्टूडेंट अगर आप लिख रहे हो तो आपके लिए फ़ोन नंबर और ईमेल ऐड करना जो है वो अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, तो आप कुछ भी ऐड कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। देन आप डेट लिखोगे, कोई भी डेट हो सकती है, 17 नवंबर 2021 मैंने ऐड की है। और इसके बाद आप लिखोगे ऑर्डर नंबर लिख सकते हो कि आपने इस डेट को, मतलब ये ऑर्डर किया था या मेरा ऑर्डर नंबर ये है, ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है ऐड करो। फिर आप लिखते हो इंडियाना एप्रल्स लिमिटेड, फिर उनका एड्रेस इंटरनेशनल टेक्सटाइल पार्क अहमदाबाद रोड सूरत गुजरात, यहाँ पर आई कैपिटल आएगा, मे बी मिस्टेक हो गई है। फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट में आप लिखेंगे कंप्लेन अगेंस्ट रॉन्ग सप्लाई ऑफ ऑर्डर, कि आपको कंप्लेंट लिखनी है क्योंकि आपके पास जो ऑर्डर है उसका गलत सप्लाई आ चुका है, तो ऐसे, या कंप्लेंट रिगार्डिंग रॉन्ग सप्लाई ऑफ ऑर्डर, बस ऐसे ही। फिर आप सैल्यूटेशन लिखोगे, सर या मैडम। तो हमारा फर्स्ट जो पैराग्राफ होगा ऐसे, सेकेंड और थर्ड ये रहा। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप उस डिटेल्स दोगे, तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पर, आप इस तरीके से स्टार्टिंग कर सकते हो, ऑन केयरफुली एग्जामाइनिंग द कॉन्सेगमेंट ऑफ ड्रेस मटेरियल सप्लाइड बाय यू अगेंस्ट आर ऑर्डर डेटेड 27th March, वी आर सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट दे डू नॉट मैच द सैम्पल्स यू हैड सेंट अस, सम ऑफ द आइटम्स लेडीज टॉप्स आइटम कोड 239 आर सो पुअर इन क्वालिटी दैट वी कैन नॉट हेल्प फीलिंग दैट देयर हैज़ बीन सम मिस्टेक इन पैकिंग। तो यहाँ पर क्या हुआ है, आप इस तरीके से ऑन केयरफुली एग्जामाइनिंग का मतलब कि मैंने जब ड्रेस मटेरियल को अच्छे तरीके से केयरफुली एग्जामाइन किया, तो मैंने ये जो एग्जामाइन किया वो ड्रेस मटेरियल जो कि आपने हमें सप्लाई की थी, जो कि हमने ऑर्डर की थी 27 मार्च को, तो इस ड्रेस मटेरियल को जब हमने एग्जामाइन किया तो हम आपको सॉरीली इन्फॉर्म करना चाहते हैं, बहुत दुखी होकर ये इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि जो आपने सैम्पल्स हमें भेजे थे कि हम ये वाला मटेरियल आपको भेजने वाले हैं, उस सैम्पल से तो बिल्कुल मैच नहीं करता, और कुछ लेडीज़ टॉप्स थे इनका आपने आइटम कोड लिख देना है कि 239 आइटम कोड है, ये सब चीज़ें जो भी आप ऐड करना चाहो। तो कुछ आइटम्स जो थे वो पुअर क्वालिटी के थे जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे, तो अब हमें यही लग रहा है कि पैकिंग के टाइम पर कोई मिस्टेक आपसे हो चुकी है। तो आपने ये फर्स्ट में आपने स्टैंजा में डिटेल्स दे दी उस मटीरियल की, कब आपने ऑर्डर किया था, वो सप्लाई हो चुका है, अब आप उसमें उसकी प्रॉब्लम बताओ, वो इशू क्या है उसके साथ, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है।
तो इशू ये है, द मटेरियल्स आर क्वाइट अनसुटेबल टू द नीड्स ऑफ आर कस्टमर्स। इन्होंने ये कहा है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, जिन्होंने ये जो प्रोडक्ट मंगवाया है, उनकी नीड्स को सूटेबल नहीं है ये जो आपने मटेरियल हमें भेजा है, ये उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करेगा। एंड वी कैन नॉट पॉसिबली सेल देम इवन एट डिस्काउंटेड प्राइजेज। हम डिस्काउंट लगाकर भी उन लोगों को ये प्राइस, मतलब डिस्काउंट प्राइस पर भी हम उनको ये प्रोडक्ट बेच ही नहीं सकते। ये इतनी बेकार क्वालिटी का है और उनके लिए सूटेबल है ही नहीं है। दिस लीव्स अस विद नो चॉइस बट टू रिक्वेस्ट यू टू प्रोसेस आर ऑर्डर अफ्रेश। प्रोसेस आर ऑर्डर अफ्रेश का मतलब है कि आप हमारे लिए एक नया ऑर्डर जो है भेज दो और इसको वापस ले लो। तो आप ये वाली वर्ड को यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो गया ना, टू प्रोसेस आर ऑर्डर अफ्रेश। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि हमारे पास अब कोई चॉइस ही नहीं बचती, अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन ये है कि हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि अब हमारे ऑर्डर को फ्रेशली दोबारा से पैक करके सेंड करो। टू प्रोसेस आर ऑर्डर अफ्रेश। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा, वी आर सेंडिंग द कंसिग्नमेंट बैक टू यू एट योर कॉस्ट एंड वुड अप्रिशिएट यू वेरी मच इफ़ यू सप्लाई अस द गुड्स एज पर आर ओरिजिनल ऑर्डर, अ कॉपी ऑफ विच इज़ अटैच टू दिस लेटर। यानी कि हम आपको इसी के साथ में, मतलब आपको हम जो भी पैसे हैं सब कुछ आपको भेज रहे हैं, ठीक है। तो सब कुछ मतलब आपके ही कॉस्ट पर, मतलब आप जितना भी सामान था जो कि गलत आ गया है, वो सब हम आपको भिजवा रहे हैं वापस, और हम आपको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे अगर आप हमें हमारी ओरिजिनल ऑर्डर जो हमने मंगवाया था, मैं पीछे अटैच भी कर देता हूँ क्या हमने मंगवाया था, ठीक है, लेटर के साथ अटैच कर देता हूँ, तो ये जो चीज़ हमने मंगवाई थी आप हमें प्लीज़ ये सब चीज़ें वापस कर दो और हमारा ओरिजिनल ऑर्डर हमें दो जो हमने डिमांड की थी जिसकी, और ये जो आपका सामान है हम आपको आपकी ही कॉस्ट पर वापस कर रहे हैं। आपकी कॉस्ट का मतलब आपके ही कह लो ना, जैसे कहते हैं आपके ही नुकसान पर आपको वापस कर रहे हैं या फिर जो भी है, तो हम आपकी कॉस्ट पर आपको ये सारा सामान वापस कर रहे हैं अटैच करके, और अब हमें अपना ओरिजिनल ऑर्डर आप दे दो। फिर लास्ट में है, यू विल अप्रिशिएट दैट वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ रॉन्ग सप्लाई ऑफ गुड्स एंड वी मे रिक्वेस्ट यू टू लुक इन टू द फंक्शनिंग ऑफ योर डिस्पैच सेक्शन सो दैट सच एरर्स डो नॉट रिकर, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि आप अप्रिशिएट करोगे, मतलब यहाँ पर इन्होंने यही चीज़ कही है कि हम आपसे बिज़नेस ऑर्डर जो है कैंसिल नहीं कर रहे हैं, हम आपसे दोबारा से मंगवा ही रहे हैं, ठीक है। आपके गलत सप्लाई करने की वजह से हम आपसे बिज़नेस कॉन्टैक्ट भी लूज़ नहीं कर रहे हैं, आपको ये अप्रिशिएट करना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ वो कहते हैं कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगली बार से अगर आप कुछ भी डिस्पैच कर रहे हो, कुछ भी सामान भेज रहे हो, तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान रखना कि आपको ऐसी मिस्टेक्स इन फ्यूचर ना करो। और हम क्या कर रहे हैं, हम आशा कर रहे हैं कि आप अपना रिस्पॉन्स जो है वो हमें जल्दी से जल्दी भिजवाएंगे। हम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, यानी हम वेट कर रहे हैं आपका, आपसे ये सब चीज़ें रिसीव करने का। लास्ट में योर्स ट्रूली, कुछ भी नाम लिख देना, प्रोपरेटर मैंने बता ही दिया था। यहाँ पर ENCL, यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई चीज़ अटैच करके देते हो उनको, तो इसलिए आप इस तरीके से लिख सकते हो, अ कॉपी ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर, जो हमने ओरिजिनली आपसे ऑर्डर किया था मैं उसकी कॉपी भी अटैच कर देता हूँ कि आप देखो हमारा ओरिजिनल ऑर्डर था क्या और आपने हमें क्या भिजवा दिया। तो ये एक सैम्पल था, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नाउ देयर इज़ अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। सो होम असाइनमेंट क्या है, एज अ प्रेजिडेंट ऑफ रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ योर एरिया, राइट अ लेटर टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूएंसी अबाउट एक्सेस फ्लो ऑफ ट्रैफिक आउटसाइड अ स्कूल इन द एरिया। यानी कि एक स्कूल है आपके एरिया में, वहाँ पर ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो आप एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, यानी कि एक एसोसिएशन, एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें जो भी आपकी सोसाइटी है, जो आपका एरिया है, वहाँ के जितने भी रेजिडेंट हैं उनके लिए अच्छा काम करती है, एक ऐसा ग्रुप है, एसोसिएशन मतलब एक ग्रुप को कहते हैं। तो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एक ग्रुप है जिसके प्रेसिडेंट हो आप, ठीक है, उस ग्रुप के प्रेसिडेंट हो, तो आप क्या कर रहे हो, एक लेटर लिख रहे हो किसको, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, मतलब जो आपके एरिया से जो पर्सन इलेक्ट होकर गया है, ठीक है, तो आप उसको ये लेटर लिख रहे हो और उस लेटर में आप लिख रहे हो कि किस तरीके से एक स्कूल के बाहर कितना ट्रैफिक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब प्रोडक्ट का तो कुछ नहीं है, यहाँ पर सर्विस की प्रॉब्लम है कि सर्विस अच्छी नहीं है कंट्री आपके एरिया में, अच्छे तरीके से पुलिस ट्रैफिक रूल्स अच्छे से नहीं चल रहे हैं, तो सर्विस अच्छी नहीं है, तो इसके बेसिस पर आप उनको लेटर लिखोगे। तो लेटर कैसे लिखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने एरिया का एड्रेस लिखोगे, फिर आप क्या लिखोगे, डेट, फिर आप लिखोगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फिर अपने एरिया का ही नाम कि आप किसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, किस एरिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये लेटर लिख रहे हो, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम, फिर लास्ट में आप नेक्स्ट में आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, तो यहाँ पर है कंप्लेंट रिगार्डिंग एक्सेसिव फ्लो ऑफ ट्रैफिक आउटसाइड अ स्कूल इन आर एरिया, ये आपने लिख दिया। फिर आपने सर मैडम करके लिखना है, फिर आप अपने लेटर को स्टार्ट करोगे। आप क्या लिखोगे, पहले तो आप स्कूल का नाम लिखोगे,
उस स्कूल का एरिया लिखोगे, कौन से स्कूल में वो कौन से एरिया में वो स्कूल सिचुएटेड है, फिर वहाँ पर आप लिखोगे ट्रैफिक बहुत बढ़ता जा रहा है। सेकंड वाले में आप लिखोगे कि इससे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को कह सकते हो कि बहुत सारे बच्चों के ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हुए बच्चे हैं और चिल्ड्रन कन्फ्यूज हो जाते हैं आते वक्त, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो आप लिख सकते हो। थर्ड स्टैंडर्ड में आप उन्हें कंक्लूजन के फॉर्म में यह बता सकते हो कि हमें क्या क्या करना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स को अच्छे से फॉलो करना चाहिए, हमें बोर्ड्स लगवाने चाहिए जहाँ पर लिखा हो स्कूल्स अहेड, ताकि लोग अपनी स्पीड को स्लो कर सकें, राइट। तो ये सब चीज़ें हम फॉलो कर सकते हैं, आप उन्हें सजेशन दे दो, ठीक है। लास्ट में आप लिखोगे लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, तो ये वाली चीज़ें करके आप अपना एक लेटर लिख सकते हो। तो कंप्लेंट का ही तो लेटर हुआ ये, तो हर चीज़ प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं, सर्विस से रिलेटेड भी होती है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।